रियल गेमिंग एरिया कैसीनो के अंदर कैसा होता है वो आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर और यही नहीं कहा अगर आपको पूरा का पूरा, पूरा मेजिस्टिक ब्राइट कैसीनो गोवा के अंदर जो होता है शिप के ऊपर वो देखना है तो मैंने एक और वीडियो अपलोड करेगी जिसमें सब कुछ डिफाइन करा हुआ है जीरो से लेकर हंड्रेड तक जीरो फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक क्या क्या कैसे कैसे होता है तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है उस वीडियो के लिए पूरा बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं सीधा मिस्टिक राइट के ऊपर है जो आपने पीछे देखा ये मिस्टिक राइट की शिप है जो कि मांडोवी रिवर के ऊपर है अब हम अंदर घुस चुके हैं कैसीनो के अंदर जो आप सेक्शन देख रहे हैं कैशियर सेक्शन है यहाँ पे आप कैश दे के चि्स ले सकते हैं एंड चिप्स दे के कैश ले सकते हैं उसका कोई कॉस्ट नहीं है हंड्रेड रुपीज इज इक्ल टू हंड्रेड रुपीज़ के चिप्स फाइव हंड्रेड रुपीज़ल टू फाइव हंड्रेड रुपीज़ की चिप्स लाख रुपीज इक्वल टू लाख रुपीज़ की चिप्स सो उसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं आएगा तो ये जो आप देख रहे हैं ये कैश चिप्स हैं जो चिप्स हमारी चेंज करते हैं कैश चिकन चिप वो चिप्स हैं आपके सामने चिप्स काउंट करेंगे जितने आप पैसे दोगे उतना काउंट कराएंगे चेक करेंगे फिर आपको देंगे और अब चलेंगे हम गेमिंग एरिया की ओर जैसे आप एंटर करके कैशअर काउंटर से यू टर्न मारेंगे तो आपको पूरा का पूरा गेमिंग एरिया का सेक्शन दिख जाएगा इन थ्री टू वन जी हाँ ये आप सेक्शन देख सकते हैं गेमिंग एरिया के यहाँ पे सारे के सारे गेम्स लगे हुए हैं फॉर एग्जाम्पल रूलेट तीन पत्ती मिनी फ्लश एंड वॉट नॉट सारे गेम्स एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और दिखाऊँगा जो कि आप गोवा के किसी भी कैसीों में जाके खेल सकते हैं जी हाँ खेल सकते हैं तो शुरू करते हैं गाइस सबसे नीचे चलेंगे और सबसे ऊपर तक चलेंगे फ्रॉम बेस्ट टू द बेस्ट गेम सो सबसे पहला जो गेम आपको ये सामने दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है स्लॉट मशीन इन लोग इसको आपने वीडियोज़ में बहुत देखा होगा और गेम्स में बहुत देखा होगा अगर आप गेम्स खेलते हैं तो ये बेसिकली बिल्कुल सेम फंडा है वन बाय नाइन 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 गेम्स वाला वैसा ही कुछ फंडा है पैसे डाल के आपको ये गेम खेलना होता है मिनिमम बेट इस गेम में जो होती है वो एक रुपये से शुरू होती है और दस हज़ार रुपये के ऊपर तक जाती है जैकपॉट अमाउंट लाखों के ऊपर भी चले जाता है अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो जितनी बड़ी बेट उतना बड़ा अमाउंट सेकंड गेम जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर से कहते हैं स्पिन द व्हील यहाँ पे स्पिन द व्हील में काफ़ी सारे चीज़ें देख रहे हैं आप टू फोर सिक्स सिक्सटीन ट्वेंटी फोर फोटी एट लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि अगर आप टू पे बैट लगाएंगे तो जितना भी आपने बैट लगाया फॉर एग्जाम्पल सौ तो आप जीतोगे तो आपको दो सौ मिलेंगे अगर टू आया व्हील के ऊपर फोर आया तो सौ के आपको रुपए मिलेंगे सिक्स आया तो छः सौ एंड सौ ऑन आ गया आपकी मैज बहुत अच्छी होगी तो खुद ही कैलकुलेट कर लेना कितने पे कितना मिलेगा और ये गेम भी बहुत कॉमन है जो लोग नए नए घूमने आते हैं मजे मारने आते थे तो वो लोग भी ये गेम बहुत खेलते हैं तो जो भी नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा और वही नंबर पर अगर आपने बैट लगाई भी होगी तो आप जीत जाएंगे और जीतने का हिसाब मैंने आपको बता दिया चलते हैं नेक्स्ट गेम की ओर जिसका नाम है कैसीनो वॉर ये भी वन ऑफ द मोस्ट प्लेड गेम इन एनी कैसीनो इन एनी प्लेस माना जाता है इस गेम में क्या होता है इस गेम में सामने आपके डीलर होता है और एक आप होते हो आपकी मिनिमम बेट यहाँ पे वीकडेज पर दो सौ रुपये से शुरू होती है और वीकेंड्स पे पाँच सौ से शुरू होती है टिल टेन थाउजेंड और इवन मोर तो आप जैसे ही यहाँ पे बेट लगाएंगे आपको किसी भी एक कॉलम के ऊपर बेट लगानी होती है जिस भी कॉलम पर आप बेट लगाएंगे एक कार्ड आपके दे, आपको देगा डीलर और दूसरा कार्ड डीलर अपने पास रखेगा तो जौन सा भी कार्ड बड़ा होगा वो कार्ड जीत जाएगा ओनली सिंगल कार्ड फॉर एग्जाम्पल आपके पास वन आया है यानी कि एस आया और सामने उनके पास किंग आया है तो आप जीत जाएंगे और वाई सीवर्स अगर हम देखें आपके तो पास टू आया है और सामने क्वीन आया है तो वो जीत जाएंगे तो सारे पैसे उनके अमाउंट जो होता है जैसे आपने पाँच सौ रुपये लगाए तो पाँच सौ के आपको टोटल हज़ार मिलेंगे यानी कि पाँच सौ आपके पाँच सौ डीलर की तरफ से हज़ार टोटल मिलेंगे वन इज टू वन का गेम रहता है चलते हैं अब नेक्स्ट गेम की ओर जिसका नाम है मिनी फ्लश जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने मिनी फ्लश मिनी फ्लश बिल्कुल बड़े वाले फ़्लश का छोटा भाई समझ लो इसमें क्या होता है इसमें आपके एक होता है कंपल्सरी बेड जो कि आपको लगानी लगानी होती है साइड में एक होता है हाई एक लो यानी कि अगर आपका लोएस्ट पत्ता है तो आपको उसके मल्टीपल में अमाउंट मिल जाती है और अगर आपका हाईएस्ट पत्ता यानी कि थ्री एस सीज आए तो आपको सौ रुपये के दस हज़ार रुपये तक मिल सकते हैं और आपको एक बैड कंपल्सरी लगानी ही पड़ती है चाहे हो ना हो आप पे कार्ड्स तीन पत्ती के रूल जैसा ही यहाँ पे रूल चलता है बस आपकी फ़ाइट होती है सामने सिर्फ डीलर से डीलर के अलावा आपकी किसी और से फाइट नहीं होती अगर आपके पत्ते डीलर के पत्ते से बड़े हैं तो आप जीत जाएंगे वरना आप हार जाएंगे हर कैसीनो में ये गेम भी आपको मिलेगा एंड दिस गेम इज़ ऑल्सो अमेजिंग इफ़ यू वॉन्ट टू प्ले जस्ट फॉर फन एंड गाइज अगर यहाँ तक आ गए और वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार एक लाइक जरूर कर देना सब्सक्राइब जरूर कर देना और भी की वीडियो आती रहेंगी अब आप लोगों के सामने ये गेम जो आपको दिख रहा है इसे कहते हैं मिनी बकरा मिनी बकरे के बारे में ज़्यादा मेरे को भी नहीं पता यार मैंने इसके बारे में देखा था तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड मेरे समझाने से इस वीडियो में अगर मुझे लग गया तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा तो उसके बारे में आप एक बार प्लीज़ गूगल पे देख लीजिए क्योंकि ये गेम समझाना थोड़ा सा टफ है <laughs> यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इसको कहते हैं थ्री कार्ड पोकर द थर्ड गेम शोइंग यू राइट नो इज द थ्री कार्ड पोकर इसमें भी आपके पास तीन पत्ते होते हैं और आपकी फाइट सामने वाले डीलर से ही होती है अगर आपके पत्ते डीलर के पत्ते से बड़े हैं देन यू विन अदरवाइज द डीलर विन्स एज सिमिलर एज मैनी फ्लश सो so गाइज अब जो मैं आपको लास्ट गेम दिखाने वाला हूँ वो गेम हर कैसीनो प्लेयर का फेवरेट गेम होता है सबसे ज़्यादा कमाने वाला और सबसे ज़्यादा लूटने वाला भी गेम जी हाँ अगर आप गैस करें तो आप नीचे गैस बिल्कुल सही करें इस गेम का नाम है रूलेट रूलेट यहाँ पे बहुत लोग खेलते हैं और सबसे ज़्यादा किसी कैसीनो में अगर कोई गेम चलता है वो चलता है रूलेट रूलेट में क्या होता है रूलेट में आपके पास जीरो से लेकर थर्टी तक नंबर्स होते हैं एक नंबर पे जैसे आपने सौ रुपये लगाए और अगर वही नंबर आ गया है तो आपको हंड्रेड रुपीज़ के थर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज़ मिलते हैं बट प्रोबेबिलिटी आने की वन इज़ टू थर्टी सिक्स ही होती है इस गेम में मैं जल्दी इस गेम को खेलने के दूसरे टिप्स एंड ट्रिक्स भी डालूंगा आप लोगों के लिए तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें और ये जो मैंने आपको एरिया दिखाया ये पूरा गेमिंग एरिया हर कैसीनो में होता ही होता है इसके अलावा मेजट पैंड में वी आई पी सेक्शन एंड वी आई पी एरियाज़ भी हैं तीन पत्ती एरियाज़ बाजी एरियाज़ और भी बहुत सारे एरियाज हैं जो मैं अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा और यही नहीं अगर आपको एंटरटेनमेंट एरिया फूड सेक्शन और बाकी चीज़ें मैजिस्टिक रेड की जाननी है तो वो वीडियो भी मैंने नीचे डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और आप मेरे को नीचे कमेंट करके एक और चीज़ बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी क्या आप मैजिटिक राइट के सीन हो गए हैं और अगर आप गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा क्या आप जीत के आए हार के आए या फिर खाने पीना इंटरटेनमेंट आपको बढ़िया लगा क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा इस वीडियो के बारे में भी और कैसीनो के बारे में भी जरूर बताइएगा और हाँ अगर आपको बाकी चीज़ें जाननी है इस गेम के बारे में यानी कि आउटसाइड बैट रेड एंड ब्लैक मिनिमम बैट मैक्सिमम बैट ब्लॉक्स तो मैं उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्शन में अभी आप मेरे से पूछ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं मैं आपको उस चीज़ का भी रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा एज़ सून एज पॉसिबल बाकी आई होप आई यू लाइक द वीडियो वाइज और लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना यार अच्छा लगता है थोड़ा सा दिल को सुकून मिलता है मेहनत करिए बहुत सारी तो ज़रा लाइक सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देने इफ पॉसिबल बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी आई होप यू लाइक इट